जिला बिलासपुर की खरकड़ी संपर्क सड़क से चिलट भटेड़ आदि गांवों को जोड़ने वाली सड़क 5 से 6 किलोमीटर लंबी है, जो कि कच्ची है और बरसात के कारण दलदल बनी हुई है। और सड़क पर कीचड़ ही कीचड़ है, तो कई जगह स्लाइडिंग भी हो रही है। यहाँ वाहन ले जाना तो दूर, पैदल चलना भी काफी मुश्किल है। जब करमचंद की तबीयत बिगड़ी तो परिजन उसे चारपाई पर लेटाकर पक्की सड़क तक ले आए। सड़क कच्ची और चढ़ाई होने के कारण युवक को पक्की सड़क तक ले जाने के लिए कई घंटे बर्बाद होने पड़े और समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका। हालांकि करमचंद को बड़ी मुश्किल से घवंडल CHC अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वहां उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि इससे पूर्व भी कच्ची सड़क की वजह से 21 अगस्त को चिल्ट गांव के लवनीच पुत्र सुरजीत सिंह गांव चिल्ट ढाकर कनफारा जिला बिलासपुर की मौत हो गई थी, जिसे विषैले सांप ने डस लिया था। लेकिन सड़क की वजह से परिजन उसे समय पर अस्पताल नहीं पहुंचे और उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि इस सड़क को पक्का किया जाए ताकि लोगों को समय पर इलाज मिल सके। रास्ता है वो बड़ा कच्चा जी, इतने लोग है जेडे वो बड़े मतलब दिक्कत का सामना करना पैंदा जी। पहला भी इतने एक दो मौत हो चुकी, जिदा जी असी कोई भी बंदा बीमार हो जाए उन्होंने हॉस्पिटल ले जाना पैंता, तो जाते जाते ही बंदे की डेथ हो जाती। इतने दो मौत पहले भी हो चुकियाँ, तो साडा सारा पिंड वालों का यही है समस्या जी, इस रास्ते को पक्का किया जाए। चिल्ट गाँव से हॉस्पिटल आने के लिए यहाँ पे कच्चा रोड है और उसमें लोगों को बड़ी दिक्कत आती है, खासकर बरसात के दिनों में तो बिल्कुल सारे रोड जो है बंद हो जाते हैं। और उसमें जब कोई आदमी बीमार हो गया तो उसको हॉस्पिटल में पहुंचाने के लिए 2-3 आज 4-5 दिन की जरूरत पड़ती है। इतने टाइम में जो है वो पेशेंट उसमें बचने की बड़ी कम संभावना रह जाती है। काफ़ी ऐसी बीमारी होती है जिनमें बिल्कुल इमीडिएट तरीके से वहाँ उनको सुविधा मिलनी चाहिए या उपचार होना चाहिए। तो सड़क नहीं होने से काफ़ी जो ऐसी मौतें हो जाती हैं जिनमें फिर हमें लोगों को बेचारे को पछतावा रह जाता है। हमें चाहते हैं कि रोड पक्का हो जाए तो लोगों को एकदम एम्बुलेंस की सुविधा मिले और एकदम उनका उपचार हो जाए। एक पहले हमारे एक नौजवान वहाँ चिल्ट से लड़का था, उसको सांप ने डस दिया, तो उसको भी जब हॉस्पिटल पहुँचाया तो 3 देर में काफ़ी देर हो गई थी, वो भी नहीं बच पाया। अब दूसरी डेथ हो गई है तो लोगों को जीना मुश्किल है। हम तो इस सरकार से गुजारिश करते हैं कि रोड को जल्दी जल्दी पक्का किया जाए ताकि लोगों को ये अच्छी सुविधा मिल जाए।